अखीब जान, ओए उठो अखीब, उठे जान, उठे उठो आप भाई, उठा उठा दस्तर दल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं, और इस रमज़ान हमें अपने बरकत से, अपने जो भी हमारे जायज़ मुरादें हैं, तमन्ना हैं, वो हमारे कबूल हो सकें, हमें ऐसी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैं खाना दम पर छोड़ी हूँ और हिट को भी दम पर छोड़ी हूँ, क्योंकि कल आए थे बेंगलोर से मगरिब को, मैंने इफ्तार के वक्त दिखाया था, कल का व्लॉग में बता दिया था कि इफ्तार के वक्त हम पहुँचे थे, तो कर थोड़ा थक गया था, जान बहुत ज़्यादा था, तो कुछ पकाने की ताकत नहीं थी। अम्मी दाल बनाए थे, तो अम्मी के घर गए जाकर, वहाँ से दाल लेकर आ गए थे। तो ये मैं रात में कबाब काढ़ी फ्रिज से और मसाला लगा कर रख डाली थी। इफ्तारी तो हमने नहीं किया, बस रोज़ा वगैरह खोले थे, उसके बाद चाय ब्रेड बिस्किट यही खाए थे, तो खाकर सो गए, क्योंकि ताखरात भी थी कल रात में। तो ये देखिए अम्मी के घर से दाल अम्मी बनाए थे तो लेकर आ गई थी, तो खैर ताखरात भी थी कल, तो सोना भी था, थक भी गया था, बेंगलुरु शॉपिंग को भी चले गए थे, सारा दिन हो गया था हमें जाते जाते, तो इसलिए मैं आई सो गई थी, अम्मी के घर से गई, दाल लेकर आए हम, तो रख कर सो गए थे, बच्चे तरावियों को चले गए थे, तो मैं शामी नहीं पड़ी थी, सो गई थी। उसके बाद मैं 1:30-2 बजे उठ गई थी, ताखरात है, थक गए तो क्या हुआ जान, तो छोड़ भी नहीं सकते ना, बड़ी रात है, तो इसलिए मैं सोकर 9:30-10 के करीब सोई थी, तो 2:30-2 के करीब उठ गई थी और दोबारा से, तो उठकर मैंने शाम पढ़ी, तहजुद पढ़ी, और मेरे कुरान जिक्र असकार दरूद सब किया, 4 बजे तक मैं पढ़ी इंशाल्लाह से। तो 4 बजे मैं ही किचन में और दोबारा से घुस गई थी, क्योंकि सहरी बनानी थी, तो चले सहरी बनाकर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। यह था बैग, और ये देखिए उठी हूँ अभी अभी, क्योंकि बहुत थक गया था जान, तो नींद नहीं हुई पूरी हुई थी मेरी, तो सो गए थे सहरी के बाद, हस्बैंड जी को छोड़ने उठी थी 8:30 बजे के करीब, और ये बच्चे के कपड़े काट रही हूँ साकिब के, क्योंकि वो जा रहा था अम्मी के साथ मेरी बहन के घर, मतलब दूसरी तीसरी वाली बहन के घर मंडिया को, तो वो उसे भेज कर। तो ये देखिए अब बज रहे थे 11:15, तो कल की शॉपिंग के सारा सामान मैं अब दिखा देती हूँ आपको आज के व्लॉग में, कल जो मैं हमने शॉपिंग जो भी की है बस वही दिखाऊंगी। तो चले मैंने अब बैठ गई थी, तो ये देखें ये मेरा पहला पैक खोला था, ये बॉक्स है, और ये हस्बैंड जी का फर्स्ट दिखा रही थी, तो ये मेरे हस्बैंड का कुर्ता था, तो उनके पास ऑलरेडी जुब्बा शरी पठानी सब हैं, सभी हैं, वाइट भी हैं, लेकिन उन्हें कुर्ता इस तरह का पहनना था, तो ये देखें इस तरह इसके पास ब्लेजर भी डाल सकते हो, तो वो इरादे से उन्होंने लिया था, तो ये उनके लिए ये कुर्ता था, बस उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं ली, सिर्फ ये कुर्ता ही ली थी, वाइट में था, ईद पर डालेंगे, तो चले दिखाती हूँ उनका, एक था ये, और ये दूसरा कवर कौन सा है, हाँ हसनैन का है, ये मेरी बहन का बेटा है ना हसनैन, तो उसका है, तो ये उसकी पैंट है, तो ये देख रही थी जिस तरह मैं शावन की ईद को लाई थी शायद वैसा ही है, तो आइडिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में है कि ऐसे ही पैंट लेकर भी आई थी, तो याद भी नहीं था, तो खैर उसका कलर थोड़ा गोरा है ना, इसलिए मैंने ब्लैक में सरेट लेना ठीक समझा था, तो अच्छा लगा था, तो एक ब्लैक में एक वाइट में दो अपोजिट कलर ले ली थी, और ये दो पैंट थी, और ये दूसरी वाली पैंट थी, ये स्मूथ बहुत सॉफ्ट थी, बहुत अच्छी लगी थी पैंट ये, इसके लिए और एक पैंट ली, और ये एक शर्ट था, ये देखें वाइट का फ्लोवर का था, तो पैटर्न अब चल रहा था बच्चों का ये, तो मैंने ये डाल ली थी, तो ये हसनैन का हो गया था, तो उठाकर साइड में रख देती हैं, डालकर कवर बाद में रख लूँगी, तो ऐसे ही फैला रही थी, तो खैर और ये दो नाइट पैंट थे, तो मेरे हस्बैंड के लिए ली थी मैं, ये देखें इस तरह से ब्रांड की थी ये, मतलब सी के ब्रांड थी शायद, तो इसकी थी ये, तो ये देखें इस इनके लिए दो पैंट ली थी नाइट पैंट, ये 3/4 की भी नहीं थी, खाली हो गई थी, बस फुल थी, ये दो लेकर आई थी, तो खैर चले और ये तीसरी बैग काट कर दिखाती हूँ, क्योंकि मैं काट काट कर कवर ऐसे ही रख रही थी, क्योंकि बाद में डालने में आसानी हो जाएगी ना, नीचे कवर ऊपर कपड़े रखेंगे तो वही कवर के वही कपड़े तो जम जाएंगे, तो माल पड़ा हो जाएगा, तो वही इसके ऊपर रखेंगे, तो खैर ये देखें ये है, ये था मेरे बेटा छोटे वाला बेटे का, इजहान के कपड़े थे, उसकी ये पैंट थी और ये शर्ट था, ये देखें ये शर्ट था, माशाल्लाह से कलर अच्छा लगा था मुझे, तो ये मैंने इसके लिए ली थी, तो ये देखें दो पैंट ली थी मैं, तो ये नया पैटर्न था इसका भी इजहान का, ये प्लेन शर्ट था, मुझे स्टार्टिंग में पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में सलमान ने पसंद किया था तो मैं ले ली थी,
तो खैर चले, ये इस कलर की पैंट पिछले साल की भी थी लेकिन थोड़ा डार्क कलर था, तो ये भी ली थी। ये दो पैंट शर्ट इस हन के हो गए थे ख़त्म। तो और दूसरा का पैंट और दूसरी कवर में क्या है, हाँ ये शर्ट है, ये पूरों के पूरे के शर्ट है, मतलब साकिब और आकिब के लिए शर्ट थी। तो ये दिखा देती हूँ मैं, इज़हन मतलब साकिब के लिए तीन शर्ट ले ली थी, मुझे कलर अच्छा लगा था येलो कलर का भी, तो मैं एक्स्ट्रा एक शर्ट ले ली थी। ये देखिए ये लाइट कलर का जो वाइट है क्रीम कलर का, वो एक शर्ट ली थी जो पट्टे पट्टे अंका होता है ना वो इस तरह से, और ब्लैक कलर का एक शर्ट था और येलो कलर का। साकिब के लिए तीन शर्ट ले ली थी, पैंट मैंने दो ही ली थी लेकिन शर्ट तीन ली थी। और ये भी नया कपड़ा आया था आकिब के लिए तो अच्छा लगा था, तो सब तारीफ कर रहे थे, तो डिस्प्ले में भी यही था। तो ये भी और ऊपर का मरून कलर का, ये भी आकिब का है, दो शर्ट आकिब के ही। तो कवर देखिए, कवर नीचे रखकर ऊपर ही कपड़े रख रही हूँ मैं डालते वक्त, तो पता लग जाएगा इसमें से यही काला था तो इसे मैं डाल कर रख दूंगी। तो ये पैंट थी, ये साकिब और आकिब के दोनों के पैंट थे। तो ये देखिए ये बिल्कुल हसनैन की पैंट थी ना, तो इसी का मटेरियल जैसा था, ये बिल्कुल सॉफ्ट थी, स्मूथ थी पैंट। तो ये जींस ली थी मैं, मतलब ये साकिब के लिए ली थी, आकिब का नहीं है ऐसी पैंट तो साकिब के लिए ली थी। और हाँ ये ब्लैक में भी मैंने साकिब के लिए ही ली थी। ये देखिए इस तरह से ये प्लेन से बिल्कुल प्लेन है, ज़्यादा कुछ वर्क नहीं है इसके ऊपर। तो ये पैंट एक के ली थी, आकिब साकिब के हो गए थे और ये आकिब के पैंट है। ये देखिए ये आकिब की एक पैंट थी और ये ब्लैक कलर में आकिब को थी। ये भी दो आकिब के पास ब्लैक कलर पैंट है लेकिन पिछले साल की उधर के साल की है, तो मैंने ये लेना अच्छा लगा था मुझे, तो ये एक नई पैंट थी तो इसके लिए ये ली थी। आकिब के दो पैंट हो गए, साकिब के तीन शर्ट हो गए, दो पैंट हो गए, तो ये बच्चों के हो गए थे। तो अब क्या में निकलता है मेरी बैग से देखती हूँ। ये देखें और इसमें था क्या था देख रही थी तो पता नहीं चल रहा था, क्योंकि बच्चों की ही शॉपिंग करी थी मैं, दूसरी कोई और नहीं करी थी, बच्चों की ही लेकर आई थी। तो हमारे सब अब करना बाकी, हाँ ये बनियन थे अंदर के बनियन थे, और ये शर्ट के अंदर डालने के लिए टी शर्ट्स थे, वाइट कलर में ली थी, वाइट ब्लैक सब थे लेकिन टी शर्ट अंदर जो शर्ट है ना शर्ट के अंदर डालने के लिए वाइट टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है, तो छोड़ कर पहनते हैं ना, तो इसलिए तो ये दो टी शर्ट दोनों के लिए ली थी, सेम साइज़ था। तो ये अंदर के अंडरवेयर और बनियन वगैरह ली थी और ये अंडरवेयर था, तो ये भी साइड में कर देंगे इस तरह से। डॉलर की ब्रांड की ली थी मैंने बनियन, और मैं तो हर बार एस के सी के लेती हूँ लेकिन इस बार मैं डॉलर की ले ली थी वहीं से ही। और ये शिवाजी नगर से लेकर आई थी परसों में, तो इसका रुमाल ली थी, साकिब को रुमाल चाहिए था उसे, तो लेकर आई तो वहाँ पर खुल कर नहीं देखा, तो घर पर आकर देख रही तो फुल बड़ा ही है, बड़े लड़कों का था। तो खैर ये उसका रुमाल ली थी, और ये टोपी मेरे पास, मेरे बच्चों के पास हैं टोपी लेकिन कलरफुल है उनके पास, तो वाइट है एक से दो, लेकिन फिर भी मैं दो लेकर आ गई थी, तीनों के चारों के लिए चाहिए था ना, तो दो टोपी एक रुमाल लेकर आई थी। शिवाजी नगर गई थी ना पर सम्मी के साथ, तो वो तब लेकर आई थी, और ये भी शिवाजी नगर से ही लेकर आई थी। तो ये कवर का सारा शिवाजी नगर से ही लाई थी मैं। और ये था दीवान सेट, ये देखें दीवान सेट मरून कलर का था, मतलब कट कलर का था, तो मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। इसे कॉस्टली भी थे लेकिन मुझे डेलीवर के लिए बस यही काफ़ी था, वेलवेट का भी था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, कलर हो या मतलब मटेरियल हो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं यही नहीं ली, पीछे हो गई थी। तो रेगुलर भी डाल सकते हो, ईद पर डालने के बाद रेगुलर भी डाल सकते हो, इसलिए ये लेकर आ गई थी, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। तो ये सिक्स पीस का था, तीन कुशन थे तो दो थके दो लंबे आते हैं उसका, और एक बेडशीट मतलब दीवान शर्ट, तो ये सेट भी कर देंगे। और ये एक नमाज की ओढ़नी लेकर आई थी, मेरे पास नमाज की ओढ़नी दो हैं लेकिन वो उसका कलर उड़ता रहा था, तो दोनों भी काट दूंगी, अब एक लेना था मुझे तो पता नहीं क्या दिमाग में था, तो ये खिलाई थी, तो उसका कवर उसे ही लपेट कर रख रही, बाद में रखने में आसानी हो जाएगी ना, तो इसलिए। और ये थी मेरी फेवरेट, मैंने परस ली थी, मैं नहीं ली थी, सलमा के हाथ से मंगाई थी, तो वो भी आई थी मार्केट, मैंने दिखाया था कल के व्लॉग में, तो आई थी तो डिस्काउंट में उसे पर्स मिल रही थी, तो उसने कहा फ़ोन कर तो मैंने एक मंगवा लिया था, ये देखें डिस्काउंट में थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, इस तरह से तीन एक जिप की तीन बैच हैं, तो अंदर तीन स्टप हैं, इस तरह से देखें अंदर थोड़ी जिप वगैरह है, और अंदर बेल्ट भी दी हुई है इस तरह से, तो साइड में डालने की बेल्ट थी और जिप थी, उसके अंदर एक छोटी वाली जिप थी,
पता नहीं ये टैग किस लिए दिया हुआ है, तो यही देख रही थी मैं टैग किसका था तो पता नहीं चला। तो ये देखिए एक दो का नर और तीसरा, इस तरह से दो बटना साइड में ही, बीच में एक जिप वगैरह है। तो अच्छी लगी थी, डिस्काउंट में मिली थी, तो हमने चार लेकर आई थी। वो एक अपने लिए ली, एक हमारे खाला के लिए ली थी, एक मेरे लिए और एक मेरी छोटी वाली बहन शाफिया के लिए ली थी। तो अच्छी लगी थी, येलो कलर में थी, सभी को येलो कलर ही मिली थी, शायद इसीलिए डिस्काउंट में पड़ गई थी। पर्स ब्रांड की पर्स है, इतनी कम को नहीं मिलती है, लेकिन डिस्काउंट में मिल गई थी। तो खैर चले ये साइड में रख देंगे और दिखा देती हूँ क्या लाई हूँ मैं। तो वीडियो लॉन्ग हो रहा था तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मैं इतना लॉन्ग वीडियो नहीं डालती, लेकिन अब दिखाना ज़रूरी था तो इसलिए लॉन्ग हो गया था। और ये ओढ़ना लेकर आई थी मैं ओढ़ने के लिए, मेरे पास है ओढ़ने, इस तरह के मखमली ओढ़ने भी हैं मेरे पास, दो हैं, ऊपर उठाकर रख डाली हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा था तो ले ली थी। कलर भी अच्छा लगा था, वाइट कलर, क्रीम कलर, तो एक्स्ट्रा एक ले ली थी। बाहर टूर वगैरह को जाएंगे ना तो इस तरह के ही ओढ़ने काम आते हैं, तो ये ले ली थी। तो और ये क्या है, हाँ ये मेरे हस्बैंड के दोस्त के बच्चे के कपड़े हैं, तो उन्होंने मंगवाया था दोस्त, उन्होंने अपने भांजे के वगैरह के लिए, तो उनके कपड़े हैं दिखा नहीं सकती, तो सिर्फ थोड़ा सा दिखा डाली थी। और ये और एक परस थी मेरी बहन की, तो मैं ही लेकर आ गई थी, उसे देकर भेजना है, तो ये और एक परस। तो खैर ये देखें, और ये था मतलब नाइट शरई लेकर आई थी बच्चों के लिए, वो जो होलसेल मार्केट गई थी मैं वहाँ से लेकर आई थी, दो एक नहीं मिलती वहाँ से, छः पीस का लेना था तो छः पीस का एक ही साइज का हम ले लिए थे कि साकिब को तीन शरई आ जाएंगे तो आकिब को तीन आ जाएंगे। तो इस तरह से ये खोल कर दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए बंडल था छः पीस का, तो सिंगल नहीं ले सकते, होलसेल में लिए थे हम, माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। पिछले साल ईद के मतलब रमज़ान में ही मंगाई थी मैं, तो इस साल भी अभी ऐसी लगती है कि नहीं लाकर पहन रहे हो, तो आठ दिन में एक बार तो पहनता है आखिर, लेकिन काम बहुत अच्छी आ रही थी। ये देखिए ये ब्रांड की थी, तो होलसेल में ली थी छः पीस का। तो इज़हन को मैं तीन लेकर आई थी, इज़हन को चार लेना था, लेकिन वहाँ पर होलसेल में मिलता है तो लेना, तो छः पीस का बंडल लेना है, ये खुले में थे इसके से इसके, तो तीन मिल गए थे, सिर्फ तीन ही लेकर आई थी। इज़हन को थोड़ा ज़्यादा ही लेने का सोची थी, लेकिन फ़िलहाल तीन लाई थी। तो चले आज के वीडियो में इतना ही, बच्चों की शॉपिंग हो गई थी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत, अब चप्पल शूज़ वगैरह लेना बाकी है, बस डन है इनका। तो कल मिलती हूँ, दुआओं में ज़रूर से याद रखें।